धर्मार्थ काम मोक्षनम शरीर साधन जता सर्व कार्यस्वंतरंग शरीरस्य ही रक्षणम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को करने के लिए शरीर ही एकमात्र साधन है। अतः सभी कार्यों से पहले हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। महाकवि श्री कालिदास जी ने भी अपने महाकाव्य श्री कुमार संगम में लिखा है, शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम। अर्थात शिव भगवान पार्वती माँ को समझाते हैं कि धर्म के कार्य करने के लिए शरीर ही एकमात्र साधन है। हर प्राणी को अपने शरीर की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आज की इस वीडियो में आपसे यही चर्चा करने जा रहा हूं कि शरीर को बलवान बनाने के लिए साल की 6 ऋतुओं में से 2 ऋतुएं यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु यानी 15 नवंबर से 15 मार्च तक का समय आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ माना हुआ है। हेमंत ऋतु आहार विहार पे हमने पहले ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे शिशिर ऋतु आहार विहार यानी 15 जनवरी से 15 मार्च के समय में कैसा हो हमारा आहार विहार। सबसे पहली बात कि इस ऋतु में रातें लंबी होने के कारण सुबह का भोजन जल्दी कर लेना चाहिए और बाकी भी दिन के भोजन समय पे कर लेने चाहिए। इस ऋतु में भूखे नहीं रहना चाहिए और उपवास भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद ने हमारे भोजन में 6 रस गिने हैं। उन 6 रसों में से 3 रस यानी मीठा, नमकीन और खट्टा, ये तीनों रस इस ऋतु में हमारे शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तो इस ऋतु में हमें भोजन में इन तीनों रसों का प्रयोग करना चाहिए। मीठे रसों में आप गुड़, शक्कर, चीनी, गचक, गन्ने का रस, मीठे फल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। खट्टे रसों में आप अमचूर, इमली, चटनी, खट्टे फल, संतरा, किन्नू, मौसमी, जमीरी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस ऋतु का सबसे श्रेष्ठ खट्टा फल जो है वो है आंवला। हमने अपनी वीडियो किस महीने में क्या खाएं में बताया था, मांगे की खिचड़ी जो खाए फागुन अम्ल हरा चबाए, जो राखे इनका उपयोग 100 साल जिए बिन रो। यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में घी और फरवरी और मार्च के महीने में आंवले का प्रयोग शरीर के लिए आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आंवले का प्रयोग आप किसी भी रूप में चटनी, जैम, रस, पाउडर आदि की फॉर्म में कर सकते हैं। अब अगर दूध की बात करें तो एक लोकतंत्र है कि माघ पो का दूध पूतों को, मीन बेटों को या बच्चों को, और सावन भाद्रो का दूध ही भूतों को यानी राक्षसों को या दुश्मनों को। इसलिए इस ऋतु में दूध या दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, खीर आदि का प्रयोग शरीर को बलवान बना सकता है। अब बल को बढ़ाने वाले पदार्थ जैसे तिल, अलसी, उड़द या मेथी के लड्डू, नट्स में अखरोट, बादाम, काजू, अंजीर, रासायनिक औषधियों में अश्वगंधा, चमनप्रास, मूसली पाक, बादाम पाक, हरड़ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हरड़ का प्रयोग इस ऋतु में पिपली यानी लौंग पीपर के पाउडर के साथ करना चाहिए। इस ऋतु में तेल मालिश, जोग, सैर, व्यायाम, कुश्ती आदि से शरीर को बलवान बना सकते हैं। अब इन सब बातों के बावजूद दो बातें जो इस ऋतु में ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात कि इस ऋतु के मिड में यानी 15 फरवरी के बाद सूरज उत्तरायण में होने के कारण धरती पर सूरज का ताप बढ़ने लगता है। इस कारण बल को बढ़ाने वाले पदार्थ तिल, अलसी के लड्डू या नट्स जो हैं उनका प्रयोग थोड़ा लिमिटेड कर देना चाहिए या नट्स को पानी में भिगोकर खाना चाहिए। और दूसरी बात, इस ऋतु में शरीर में वात पित्त कफ में से
कफ दोष जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होती है या शिशिर ऋतु खत्म होती है तो सूर्य का ताप बढ़ने के कारण वो कफ पिघलने लगता है और बड़े सारे हमें कफ के डिजीज, खांसी, जुकाम, बलगम, रेस्पिरेटरी एलर्जी, दमा आदि कॉमन हो जाते हैं। जहां वो लोग जिनकी कफ तसीर है उनके लिए ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण इस शिशिर ऋतु में हमें कफ को कम करने वाले पदार्थ जैसे लहसुन, अदरक, गर्म मसाले, काली मिर्च, लौंग, पेपर, मेथी दाना, सौंठ पाउडर या औषधियों में अश्वगंधा पाउडर वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें ऐसे ही हमारे साथ हेल्दी रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।